हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलवेज और आप देख रहे हैं प्लांट नॉलेज। हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पॉट आपके लिए बेस्ट है। आज मैं इस वीडियो में आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और आपको बताऊंगा इंडोर में आपको कौन सा पॉट यूज करना, आउटडोर में आपको कौन सा पॉट यूज करना। दोस्तों, बेसिकली आपको थ्री टाइप के पॉट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला होता हमारा प्लास्टिक पॉट, दूसरे नंबर पर हमारा सीमेंट का पॉट, तीसरे नंबर पर आपको सोयल का पॉट। थ्री टाइप के आपको पॉट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम प्लास्टिक के पॉट की। दोस्तों, प्लास्टिक का पॉट हम जो यूज़ करते हैं, दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ करेंगे आपको इनडोर में यूज़ करना है। अगर आपने प्लास्टिक का पॉट को आउटडोर में यूज़ किया तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पॉट है उसका रंग तब्दील हो जाएगा। अगर आप आउटडोर में इस तरीके का प्लास्टिक का पॉट यूज़ करेंगे तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं इसका जो पॉट देख रहे हैं, ये पॉट आपको बहुत ही बेकार हो जाता है। आउटडोर में आप इस तरीके के पॉट को नहीं रखें। मेरा सजेशन यही है कि आप अगर आउटडोर में प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक का पॉट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे देख रहे हैं इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरीके की आपका पॉट जो है नीचे से ही फट सकता है और बहुत सारा, जैसे आप सनलाइट जो हमारी पड़ती है उस तरीके से आपका पॉट बेकार हो सकता है, सनलाइट की वजह से भी आपका पॉट बेकार हो सकता है। और अगर आप इस तरीके का पॉट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ करना चाहते हैं तो ओनली आपको इनडोर में ही इस तरीके का पॉट यूज़ करना है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडोर में रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी टेबल या ड्रेसिंग टेबल पर या कहीं आप अपने ऑफिस में किसी इंडोर प्लांट को रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके का पॉट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक क्रोकोडाइल की शेप में है और आप इस तरीके के पॉट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा मेंढक होता है फ्रॉग, इस तरीके की शेप में भी है, हमारे पास पॉट अवेलेबल हैं। इस तरीके के पॉट को भी आप, अगर आप चाहते हैं इंडोर में रखना तो आप इस तरीके के पॉटों को अपने इंडोर में लगाएं। जैसे हमने आपको दिखाया था ये क्रोकोडाइल के शेप में जेड प्लांट है, ये हमारा इस तरीके का बॉन्साई हमने बना रखा है। आप चाहें तो इसी तरीके का आप भी इस पॉट में किसी भी प्लांट को लगा सकते हैं और इस तरीके की शेप दे सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी ड्रेसिंग टेबल पर बहुत ही खूबसूरत रखते हैं। अगर आप इस तरीके के प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली लगाने चाहिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आपके ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके के पॉट, अगर आप चाहते हैं इंडोर में यूज़ करना तो आप इस तरीके के पॉटों को यूज़ करें। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ आउटडोर के लिए जो बेस्ट पॉट हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बड़े प्लांट लगाना आउटडोर में, अगर आप अपने जीने वगैरह पर जो आपके छत होती है आप छत पर रखना चाहते हैं या आप अपने आउटडोर में कहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का पॉट का यूज़ करें। जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा पॉट होता है, इसमें जो है मॉइस्चर बनी रहती है, आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये इस तरीके का पॉट आपको यूज़ करना है। दोस्तों, मिट्टी का पॉट होता है वो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा पॉट होता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आउटडोर में रखना तो आप आउटडोर में प्लांटों को रखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इन पॉटों का यूज़ करें, ना कि प्लास्टिक पॉटों का यूज़ करें। चलिए दोस्तों, नंबर तीन बात हमारा सीमेंट का पॉट। अगर आप चाहते हैं इस तरीके का पॉट लेना, अगर आप चाहते हैं कि आपको, जैसे लोटस आप देख रहे हैं, ये हमारे लोटस के प्लांट हैं इस तरीके के, ये देखिए दोस्तों, ये लोटस के तमाम लोटस के प्लांट हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के प्लांटों को लगाना तो आप इस तरीके का सीमेंट का पॉट, कोई भी बड़ा पॉट ले सकते हैं। ये इस तरीके के हम आपको और भी छोटे छोटे पॉट हैं वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके का, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की नांद बनाना तो, अगर आप इस तरीके के प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की नांद में आप लगा सकते हैं। जैसे आप दोस्तों इस तरीके के भी आप देख सकते हैं, ये हमने छोटे छोटे पॉट लिए हैं सीमेंट के। आप चाहते हैं इस तरीके के पॉटों में भी आप प्लांटों को लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सीमेंट के पॉट लगाने हैं तो आप इस तरीके के, जैसे हमने आपको दिखाया, आप लोटस या और भी बड़े प्लांट लगा सकते हैं जो सीमेंट के पॉट में चलते हैं। आउटडोर में भी लगा सकते हैं इनको। अगर आप इस तरीके के पॉट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको आउटडोर में ही इन पॉटों को यूज़ करना होगा। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे बहुत सारे इनडोर प्लांट हैं, तो इस तरीके से अगर आप इनडोर में रखना, अगर आप इस तरीके से इनडोर में रखना चाहते हैं प्लांटों को तो आप प्लास्टिक के पॉट डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे अच्छे पॉट हैं।
अगर आप इस तरीके के पॉट यूज करना चाहते हैं, और बहुत सारे ये हमारे पॉट हैं, ये देख आप चाहे तो इस तरीके के पॉट में भी अपने प्लांटों को लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर ये देखिए दोस्तों, जो आप बहुत सारे प्लांट हमारे पास अवेलेबल हैं, इस तरीके से आप बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लांट अवेलेबल हैं, बहुत सारी वैरायटी मनी प्लांट की अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं इस नर्सरी से परचेस करना, तो दोस्तों इस नर्सरी से आप प्लांटों को परचेज भी कर सकते हैं और आप पॉट भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों।